उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक पर अतिथि शिक्षक द्वारा अभद्रता का आरोप लगाया गया, जिसको लेकर आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज के शिक्षक और स्टाफ ने कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। दरअसल पिछले दिनों दमोह जिले के जबेरा कॉलेज की एक अतिथि शिक्षिका द्वारा जांच के दौरान अतिरिक्त संचालक डॉक्टर जी एस रोहित पर अभद्रता का व्यवहार लगाते हुए प्रशासन से इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद डॉक्टर जी एस रोहित के पक्ष में दो दर्जन से अधिक परमानेंट फैकल्टी, गेस्ट टीचर और शैक्षणिक स्टाफ के कर्मचारियों द्वारा संभागीय आयुक्त मुकेश शुक्ला और उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त के नाम कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया कि अतिथि शिक्षकों द्वारा उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। महिला शिक्षिकाओं और महिला स्टाफ ने बताया कि वह बरसों से डॉक्टर जी एस रोहित के साथ कार्य कर रही है। उनके द्वारा कभी भी महिला स्टाफ या कर्मचारियों से अभद्रता नहीं की गई है। प्राचार्य के खिलाफ लगाए गए आरोपी की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। वहीं डिप्टी डायरेक्टर जी एस रोहित ने महिला के द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार एवं झूठा बताया है। अतिथि विद्वान के रूप में काम कर रही हूँ, मैंने अपना काम यहीं से शुरू किया। इस दौरान कई बार गलतियाँ भी हम लोगों से हुई, पर हमारे प्राचार्य और अतिरिक्त संचालक द्वारा कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव, लिंग भेद हमें कभी समझ में नहीं आया। हमारे प्राचार्य ने अनुशासन बनाने के लिए कई बार हम लोगों को डांटा भी है, समझाया भी है, पर जब भी जो भी किया उन्होंने हर कर्मचारी को एक दृष्टि से देख के किया। मैंने अपने 5 साल में अपने प्राचार्य को कभी भी इस तरीके से कोई कार्य करते नहीं देखा जैसे उन पर आरोप लगे हैं। ये आरोप सरासर झूठे हैं और किसी भी व्यक्ति के इतने लंबे कार्यकाल को कलंकित करने के लिए काफ़ी हैं। किसी भी अतिथि विद्वान या किसी भी कर्मचारी को इतने बड़े आरोप लगाने से पहले बहुत सोचना और समझना चाहिए था। इस तरीके के आरोप किसी भी व्यक्ति की गरिमा को खंडित करते हैं और हम सब इसके विरोध में हैं कि किसी भी महिला को इस तरीके से झूठे आरोप लगा के किसी भी इंसान की गरिमा को खंडित नहीं करना चाहिए, ना अपनी महिला होने का दुरुपयोग। कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर्स में अतिथि विद्वान के पद पर कार्यरत हूँ। ये बोलना चाहूँगी इस मुद्दे पे कि जो भी चीज़ें बोली गई हैं या बताई गई हैं वो हमारे हिसाब से सही इसलिए नहीं है क्योंकि हम भी वहाँ पे कार्य करते हैं और माहौल वहाँ पे बहुत ही अच्छा है। सर की पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत ही पॉजिटिव सोच रखते हैं, कभी भी किसी में डिफ्रेंशिएट नहीं करते। गलतियों पे टोकते हैं, डांटते हैं, परंतु कभी भी गलत भाषा का प्रयोग या कुछ भी ऐसा नहीं बोलते जो हम लोगों को कभी हमारी गरिमा को कभी भी ठेस पहुँचाए। न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा है, कार्यालय कमिश्नर से मुझे आरोप पत्र अभी प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त होने के पश्चात ही मैं कुछ कहने की स्थिति में रहूँगा। हाँ, अगर 1 अप्रैल को जो है हायर एजुकेशन से OSD आए थे, मैं था और दमोह से एक प्रोफेसर थे, वहाँ के प्रोफेसर सारे थे। जांच की कार्यवाही की गई है, ये आरोप असत्य और निराधार हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि आपने जो कार्रवाई की है वो भी आपने कार्रवाई की आपने वो बैरिक नहीं है, मतलब उन पर आप पर आरोप। मैंने आपको बताया कि भोपाल से OSD अखिलेश शर्मा जी मेरे साथ थे, वो भी जांच में सम्मिलित थे, जांच अधिकारी थे वो भी। आरोप लगाए आरोप हाँ निराधार और असत्य है, मुझे नुकसान पहुँचाने की दृष्टि से लगाए गए। इसका आप क्या जवाब देंगे? आप क्या कार्रवाई करेंगे? वैधानिक सागर से शुभम जैन की रिपोर्ट।